गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कर रहे हैं हिंदी रीडर कक्षा 4 पाठ नंबर 6 बुराई का बदला। हम ये पूरा पाठ अच्छे से रीड भी कर चुके हैं, इसके शब्दार्थ भी हम कर चुके हैं और इसका अभ्यास कार्य का आज हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। और जिसने भी कक्षा कार्य नहीं किया है, सही विकल्प, सही गलत, क्वेश्चन आंसर, तो वो अपना कर लेंगे, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेंगे। हम शुरू करते हैं कठिन शब्द से। मुकाबला, उच्चारण, फुफकार, जहरीला, बॉबी, मृत्यु, मुस्कुराए, उच्चारण, साहस, कंकड़ पत्थर, अन्याय, डटकर। नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी सांप देखा है? तो सांप तो सभी ने देखा होगा, तो हाँ या ना। सांप किस किस रंग के होते हैं? सांप अनेक रंगों के होते हैं, पीले रंग का, हरे रंग का, भूरे रंग का, काले रंग का। सांप कहाँ पर रहता है? सांप कहाँ रहता है? बॉबी में। सांप चलता है अथवा रेंगता है? तो सोचकर बताइए, चलता है या रेंगता है? तो हम क्या बताएंगे, इसमें क्या लिखेंगे? रेंगता है। क्या आपने कभी सांप की फुफकार सुनी है? हाँ या ना, इसमें आपने आंसर देना है। इससे अगला है सही विकल्प। अगर आपने अपनी नोटबुक में नहीं किया है तो कर लेंगे। महात्मा जी को देखकर सांप ने क्या किया? प्रणाम। इसका सही विकल्प है प्रणाम, फुफकार, स्वागत। हम प्रणाम को प्रणाम के आगे सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा जी को कितने दिनों के बाद खेत पर वापस आए थे? महात्मा जी कितने दिनों के बाद खेत पर वापस आए थे? एक महीने बाद, एक साल बाद, दो साल बाद। तो इसका सही उत्तर है एक महीने बाद। अगला प्रश्न है, महात्मा जी के मंत्र के प्रभाव से सांप क्या करने लगा? भागने लगा, काटने लगा, लौटने लगा। तो हमने कल भी करवाया था, क्या करने लगा था? लौटने लगा था। अब सही गलत में देखिए। महात्मा जी ने मंत्र का उच्चारण किया, सही है या गलत? तो इसका आंसर हम लिखेंगे सही है। महात्मा जी एक महीने के बाद सांप के पास आए, ये भी सही है। जहरीला सांप एक पेड़ पर खड़ा था, ये गलत है। सांप के काटने से कई लोग मर चुके थे, ये सही है। अब इसका प्रश्न भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने क्या किया? तो इसका उत्तर है सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। महात्मा जी के जाने के बाद सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, लोगों ने खेत की ओर जाना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि सांप के काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, यानी मर चुके थे। लोगों ने इस डर के मारे खेत की ओर जाना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, सांप को कमजोर देखकर महात्मा जी ने सांप को क्या समझाया? तो इसका आंसर लिखेंगे, आपने अगर नहीं लिखा है तो ही लिखेंगे, लिख रखा है तो आप रिवाइज कर लेना। महात्मा जी ने समझाया कि किसी का अहित मत करो, यानी किसी का बुरा मत करो, लेकिन अत्याचार और दुर्व्यवहार भी मत सहो। किसी का बुरा करो मत और दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार किसी का सहो मत। अगला प्रश्न है, महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए गडरिए से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, महात्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ।